first YouTuber to enter the Big Boss house. भाई साहब, बिग बॉस की जर्नी हैज बीन द क्रेजीएस्ट जर्नी एवर. मतलब यहाँ पर हम हंसे, रोए, लड़े, क्या कुछ नहीं किया. I'm fast, baby, I'm fast. घर की आधार कोई नहीं. आज से फुकरा इंसान का नाम रोज बजेगा. ऐसी गंदी गेम खेलनी नहीं मेरे को. खड़ा हूँ ना, 36 पुश्तें लग जाएगी तेरे को मैं पहुंचने में. इतना प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे इस जर्नी में कि भाई आई बो डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. जिसने मुझे वोट करा, सपोर्ट करा. मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, हमारी जर्नी चालू हुई थी पानी कंपैरिजन करने से. लाइक लिटरली यार, हमारी फर्स्ट वीडियो थी 20 रुपए के पानी को 600 रुपए के पानी से कंपेयर करना. एंड तब से हमने हमारी जर्नी में कितनी सारी चीजें करी है. एंड जर्नी अमेजिंग होती रही है. आप लोगों ने हर जगह मुझे सपोर्ट करा. आई स्वेयर, जब मैं सलमान सर के साथ फर्स्ट डे खड़ा था ना, मैं ऐसे था यार, मैं तो एक नॉर्मल यूट्यूबर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. हम बिग बॉस के घर में गए और वहां पर सबसे पहले हमारे को मिले हमारे फेवरेट द पुनीत सुपरस्टार. सेट में आए थे घूमने के लिए ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कोठी बंगले वाले. भाई एक दिन में उस बंदे ने जो तबाही मचाई, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, उस बंदे ने इंग्लिश सीट पे हिंदी पोज में जो पोटी करके पिकासो आर्ट बनाया. ओए होए होए होए, निकाल दो ना घर से यार. मैं तो कह रहा हूँ निकाल दो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ. निकाल दो, मैं कौन से के तलवे चाट रहा हूँ, हाथ पे जोड़ रहा हूँ. बिग बॉस वो कर लेगा अपना बाथरूम साफ, मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. फिर भी मैं उसके साथ था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, भाई हमारा समझेगा. बट उसने जो प्रॉपर्टी डैमेज करना फिर चालू करा वहां पर बिग बॉस का, कैमरों के साथ खेल के छपरी लौंडे. मैं फिर भी चाहता था कि वो इंसान वहां बना रहे. बट यू नो व्हाट, पूजा जी हमारी, उन्होंने वहां बोला आई डोंट फील सेफ विद हिम. एंड ऐसी बहुत कॉन्वर्सेशन हुई थी वहां पर, जब भर उनके अगेंस्ट हो गया, एलिमिनेट हुआ. और हमारी जर्नी धीरे 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 कठिन होती रही क्योंकि सारे घर वाले अगेंस्ट हो गए थे हमारे. बिकॉज दे वर थिंकिंग एक यूट्यूबर क्या ही कर लेगा. यूट्यूबर को अंडर एस्टिमेट करने की जो उनकी गलती थी, यू नो, उन्होंने उसका फल पूरी तरह इसके से दिया. धीरे धीरे डिफरेंसेस बढ़ने लगे, लोग मुझे गलत समझने लगे. पूजा जी जो वहां पर हेड ऑफ द ग्रुप थी, बिकॉज उनकी हर कोई सुनता था, क्योंकि उनको एक्चुअली ऐसा लगता था कि पूजा जी जो है वो उनको कोई ना कोई मूवी ऑफर कर देंगी. बट भाई उनको ये नहीं पता था कि एक बंदा है जिसको मूवी से कोई मतलब नहीं है, वो खुद अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाता है. तो उन्होंने मुझे कुछ बोला एंड उस पर मैंने जब उनको रिप्लाई करा कि आपकी आवाज ऊंची होने से आपकी बात में वजन नहीं आता, तब वो थोड़ी सी नाराज. भाई देखो सीधी सी बात है, हम मैं गबरू नौजवान लौंडे, बट जब फैमिली की बात आती है ना तो दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है. मतलब ऐसा मन में आ जाता है कि यार जो बोलना है मुझे बोलो, फैमिली पे क्यों ही जाना. फिर आया वीकेंड का वार, और वीकेंड के वार में जब सलमान सर ने सबको समझाया कि अभिषेक को कुछ कहना है तो उसको बोलो, उसकी फैमिली के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस वहां से मेरे अंदर जो मोटिवेशन आई, मैंने बोला अब तो ये गए, ये साले नल्ले बेरोजगार छपरी दो कौड़ी के लोग मेरे को क्या जज करने वाले हैं. सबको एक ही प्लेट पे रखा. मनीषा ऑब्वियसली शी हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, उसने मेरी जर्नी में बहुत 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 ज्यादा साथ दिया है. एंड मैंने उसको हमेशा स्पेशल माना, जो सही था कि वो साथ दिया, जो गलत था उसके अगेंस्ट आवाज उठाई. एंड मैंने नोटिस करा कि मतलब बहुत सारे लोग थे जिनके मन के अंदर बहुत सारी बातें थे, बट उन्होंने कभी भी कोई चीज मुंह पे नहीं बोली, सब बैक बिचिंग करते थे. बट तुम्हारे भाई ने बोला भाई जो है मुंह पे है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत. फिर आए हमारे घर में दो वाइल्ड कार्ड्स, आशिका भाटिया एंड एल्विश यादव. एंड मैं बता रहा हूं भाई, मैं एक्चुअली वो घर जब तक वो नहीं आए थे ना, वो मुझे अंदर से अंदर खा रहा था, क्योंकि लिटरली आई फेल्ट कि यार मैं बहुत ही ज्यादा सुना सुना है एंड आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस. बट जब से वो आए उन्होंने मेरे को एक कंफर्ट लेवल दिया. एक हमारा ग्रुप बना नाग शक्ति, एंड नाग शक्ति रूल्ड. मेरे को पता चला हमारा नाग शक्ति फेम ग्रुप बन गया था और बहुत प्यार मिला हमारे को अंदर, और मेरे और एल्विश के बीच में बहुत अच्छा भाईचारा बना रहा. बट चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं और एल्विश अभी भी भाई, पहले भी भाई थे और आगे भी भाई रहेंगे. ये जो बिग बॉस के मेकर्स ने कोशिश करी है हमारे बीच में राइवलरी लाने की, हमारे फैन पेजेस को, हमारे फैन ग्रुप्स को, हमारे सपोर्टर्स लड़वाने के लिए, आई स्वेयर आई डोंट अप्रिशिएट दिस एट ऑल. जब मम्मी बिग बॉस के घर में आई थी, मैंने क्लियर कट ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं वाइल्ड कार्ड को डिजर्विंग नहीं समझता, बट अगर एल्विश जीतेगा तो मैं दिल से खुश होऊंगा क्योंकि वो मेरा भाई है, ट्रॉफी कम्युनिटी में आएगी. बट वो पार्ट कट कर दिया गया और सारी चीजों को नेगेटिवली पोर्ट्रे करा गया एक बैड लाइट में मेरे को दिखाने के लिए. बिग बॉस के मेकर्स वो आपको कैसा दिखाना चाहते हैं आपको समझ आएगा. बहुत चीजें ऐसी हुई है मनीषा के साथ भी कि उसको विलन ऑफ द हाउस दिखाने की कोशिश करी गई, जबकि ऐसा नहीं है भाई. वो विलन कहीं से नहीं हो सकती, वो सबसे चुलबुली लड़की है जो मैंने लाइफ में अपनी देखी है. ये तो भाई मैं जेन्युइन
बता रहा हूँ, मेरे को इतना सपोर्ट, इतना प्यार है आप लोगों की तरफ से कि वो चीज जो उन्होंने दिखाई वो भी मुझे नेगेटिव नहीं बना पाई। मेरे और एल्विश के बीच में एक्चुअली दे शोड इन अ वे कि हमारी लड़ाई दिखे बार, बट ऐसा नहीं था भाई। जेन्युइन 0% हमारे अंदर किसी के लिए ग्रजेस थे ही नहीं। इट्स जस्ट दैट मेरी एक अलग पर्सपेक्टिव था कि मैं वाइल्ड कार्ड को विनर इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि 60 डेज का गेम जो पहले 30 डेज भी हो चुका है और उसमें एक्चुअली जब मैं अकेला था वो घर अंदर ही अंदर आपको डिप्रेस बनाता है, मेंटली आपको हैरास करता है, आप अकेले फील करते हो, आप टूटते हो भाई। कौन चाहता है नेशनल टेलीविजन पर होना, बट इमोशंस वहां टूटते हैं। इट्स जस्ट दैट वो एक पर्सपेक्टिव था और उसको ऐसे दिखाया गया कि मैं नहीं चाहता वो जीते या वो नहीं चाहता कि मैं जीतूं, उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं था भाई, भाईचारा ऑन टॉप था, भाईचारा ऑन टॉप है, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। बिग बॉस मेकर्स, एक चीज और जो सबसे बुरी चीज मुझे और लगी जब मैं घर आया, मैंने देखी कि भाई जो टास्क हुआ था टिकट टू फिनाले, एक्चुअल मेरी शर्ट खूनम खून थी। इट वॉज मैं, मेरे यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से मेरी इतनी दवाइयां लगी, पूरा बैंडेज वैंडेज होके आया, सारे सीन काट दिए, वो सब काट दिया और ऐसा दिखाया गया कि जैसे गलत पूजा जी के साथ हो रहा था। That is very wrong. भाई घर में bondings भी हुई, कुछ बहुत ही ज्यादा strong bondings हुई मनीषा के साथ, अभिषा fan group, I love you all, फिर हुई जिया के साथ, अभिया fan groups, I love you all, and Elvish के साथ भी, आशिका के साथ भी, तो मतलब काफी अच्छे अच्छे रिश्ते मिले हमारे को घर में। बहुत ऐसे भी थे जिनको हम बिल्कुल नहीं भाते थे हमारे पीछे, भाई सब अब आके देख रहा हूँ क्या क्या बातें करते थे, कोई सेंस है इन बात का। बट इन दी एंड इट केम ऑल टू द फाइनल डे, जब था हमारे वोटिंग्स फाइनल रिजल्ट डे, एंड मतलब देखो हमें इतना तो अंदर चली गया था कि जस्ट बिटवीन मी एंड एल्विश, उनमें से कोई फर्स्ट आएगा कोई सेकंड आएगा। एंड भाई जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा भाई उधर एल्विश को इतना सपोर्ट, 100+ एक्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, यूट्यूबर्स, कितने लोगों ने सपोर्ट करा, और यहाँ पर सबका जवाब देने के लिए इकलौता वन मैन आर्मी निश्चय खड़ा हुआ था। एंड भाई निश्चय ने अकेले इतनी टक्कर दिया, मतलब कैन यू इमेजिन, 280 मिलियन था एक जगह और इधर हमारे पास 240-250 मिलियन वोट्स। मेरे हिसाब से भाई ऑब्वियसली एल्विश वन, बट हम भी नहीं हारे मेरे फ्रेंड्स, पांडा गैंग, वी आल्सो वांट ट्रिगर्ड फैम, मतलब बॉन्डर्स आर्मी, मतलब मेरी फैमिली ने जितना सपोर्ट करा, आप लोगों ने जितना सपोर्ट करा, बट भाई निश्चय ने लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्ड तोड़ दिया, लिटरली 320,000-321,000 की कॉन्करेंट वॉचिंग, ओ माय गॉड, उसने 24 घंटे लाइव स्ट्रीम करी। मतलब इसको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, निश्चय भाई तू शेर है मेरा, तू शेर था मेरा और तू शेर ही रहेगा हमेशा मेरा। भाई बाहर आके मैंने देखा मीटअप जो आप लोगों ने करा था हमारा, ओ माय गॉड, लिटरली दिल्ली हार्ट आप लोगों ने भर दिया भाई, सपोर्ट हमारा नेशनली इंटरनेशनली, मतलब टाइम्स स्क्वायर पे होर्डिंग लगा दिया यार तुमने, कि इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ। मुझे जेन्युइन नहीं पता कि बाहर इस वक्त कितने लोग मुझे जानते हैं कितने नहीं जानते, मैं अब तक घर से बाहर नहीं निकला, जब बाहर निकलता हूँ मुझे ऐसे एकदम से ना वो हो जाता है कि आए, 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 इतने लोग क्यों है यहाँ पर, मैं कैसे मिलूंगा, मतलब सोशलाइज नहीं करा इतने टाइम से। ऊपर से हमारे को बोला गया था जब आप बाहर जा रहे हो तो थोड़ा घूमना कम, कि आप 60 दिन एक ही घर में थे तो आपकी इम्यूनिटी लेवल थोड़ी नीचे हो जाती है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, फिनाले से कुछ दिन पहले 9 तारीख को मुझे हो गया था डेंगू, एंड मेरी बॉडी एकदम कांपने लग गई थी, शिवर हो रही थी, मेरी टांगे मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, आई डोंट नो वो क्लिप्स आई या नहीं आई, बट मेरी टांगे हाथ पैर सब दबा रहे थे मेरे दोस्त यार, एंड देन मुझे हॉस्पिटल एडमिट करा गया। बट आई केम टू द फिनाले फॉर ऑल यू गाइज, यूट्यूब ऑडियंस, आई लव यू गाइज, मतलब आप लोगों ने बे इंतहा मोहब्बत करी मेरे और मेरे परिवार से। आई नो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जिनसे मैं और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि उन्होंने हमारे साथ लाइक पास में काम कराया एंड वो हमारे को बहुत सारा प्यार देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ना मुझे ना मेरे किसी फैमिली मेंबर को किसी से कोई शिकवा इस वक्त। आई नो एक ये गेम थी हमारे लिए, ऑल लव टू एवरीवन जिन्होंने किधर भी सपोर्ट करा, हमें सपोर्ट करा नहीं करा आई डोंट नो, सबके लिए हमारे मन में बहुत सारा प्यार है, प्यार था और प्यार रहेगा। तो मम्मी जी आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे सब्सक्राइबर्स, फैंस, फैमिली सबको? थैंक यू बोलना चाहूंगी, आप लोगों ने बहुत प्यार करा, बहुत सपोर्ट दिया, मतलब जो भी ट्रेंड चलाए आपने, जो भी बहुत कुछ करा आप लोग, प्यार बनाए रखना ऐसे ही, ये नई नई वीडियोस बनाता रहेगा और आप उनको वायरल करते, बहुत खूब सारा प्यार करना, जैसे ट्विटर पे इसको वायरल करा ना, ऐसे इसकी वीडियोस भी वायरल। मैंने एक्चुअली एक वो देखा कि विजय भवा अभिषेक पे पता नहीं कितने 1.5 मिलियन ट्वीट्स थे, बहुत लोग ऐसे थे जो मुझे कहते थे इनकी ऑडियंस ट्विटर पे, अरे हम हर जगह है, हमारे प्यारे प्यारे बंदे हर जगह है, ऑडियंस ने अपना बहुत प्यार, हर टाइप का प्यार दिया इस ऑडियंस ने, एंड आई लव यू, मतलब तुम लोगों से ज्यादा प्यार किसी से नहीं हो सकता, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। थैंक्स फॉर
कुछ भी बोलूं आपके लिए कम है। आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि भाई बिग लाइफ है अपन लोगों की, लोग हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी आप लोगों से उतना ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरा मन कर रहा है एक एक बंदे को, एक एक सब्सक्राइबर को एक कुछ ही देने का बहुत प्यार से। एंड आई लव यू यूट्यूब वन बिग बॉस ओटीटी सीजन 2। इसके बाद आई एम डैम श्योर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी टीवी एक्टर ये नहीं बोलेगा कि अरे ये तो यूट्यूबर है, वो हमेशा बोलेगा अरे ये तो यूट्यूबर है, इसे ऊपर देख के बात करेगा। आप लोग जो नए आए हो हमारे, हमसे इतना प्यार करते हो, जुड़ो मेरे चैनल से, जुड़ो मेरी पूरी जर्नी देखो मैं क्या करता हूँ, कैसे चैलेंज वीडियोस बनाता हूँ, मेरा रिएक्शन चैनल से जुड़ो, मेरे मलहन रिकॉर्ड से जुड़ो, शॉर्ट्स चैनल से जुड़ो, डिंपल मलहन ब्लॉग यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली का बिग बॉस चलता है उससे जुड़ो, निश्चय के चैनल से जुड़ो, प्रेरणा दीदी के चैनल जुड़ो हमसे, और एक लंबे सफर पे चलते हैं। अभी बहुत चीजें हासिल करनी है और हमेशा साथ रहना है। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।